आजकल के मॉडर्न जमाने में ड्रोन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन ड्रोन को उड़ने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है इसका मोटर। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा मोटर इस्तेमाल होता है इसमें, वही मोटर क्यों इस्तेमाल होता है एंड वो मोटर कैसे काम करता है। इस वीडियो को मैं तीनों चैप्टर में डिवाइड करूंगा। चैप्टर वन में हम समझेंगे कौन सा मोटर इस्तेमाल होता है, चैप्टर टू में समझेंगे कि वही मोटर क्यों इस्तेमाल होता है एंड चैप्टर थ्री में समझेंगे कि उसका मोटर जो है वो कैसे काम करता है। अगर आप चैप्टर थ्री नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो मोटर है वो मोटर होता है BLDC मोटर, मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर। अब सवाल है कि यही मोटर क्यों, दूसरा जो 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट का जो मोटर है, क्या हम वो मोटर इस्तेमाल नहीं कर सकते? जी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम उस मोटर को 5 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट जो दूसरा परमानेंट मैग्नेट जो मोटर होता है, अगर हम उसको खोलेंगे तो हमें उसमें से क्या देखने को मिलता है? एक परमानेंट मैग्नेट देखने को मिलता है, एक आर्मेचर देखने को मिलता है एंड एक कम्यूटेटर, छोटा सा कम्यूटेटर देखने को मिलता है, उसके साथ एक ब्रश देखने को मिलता है, मतलब जो कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट रहता है। अब ये मोटर जब घूमता है तो ये कम्यूटेटर के साथ यहाँ पर जो ब्रश होता है ये ब्रश कनेक्ट रहता है। ब्रश कनेक्ट रहने के कारण इसका जो स्पीड है वो स्पीड उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन ऑलरेडी क्रिएट होता ही रहता है। जब तक मोटर घूमेगा यहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूसली लॉस होता ही रहेगा। जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, एक हीट प्रोड्यूस होगा तो भी एक लॉस होगा। तो एक बात समझ लो कि ये मोटर जो परमानेंट मैग्नेट मोटर है ये उतना एफिशिएंट नहीं है। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ पर 2 वाट का इनपुट अगर दे रहे हो तो क्या होगा, इसके अंदर लॉसेस होगा। बहुत सारे लॉसेस को निकालने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 2 वाट का नहीं मिलेगा, वो बहुत ही कम मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1.2 वाट हमें मिलता है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हम इनपुट दे रहे थे 2 वाट, लॉस इसके अंदर बहुत सारा लॉस हो रहा है, लॉस होकर हमें कितना वाट मिल रहा है, 1.2 वाट। ये हो गया इसका, मतलब इसका एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं कि BLDC मोटर, अगर हम BLDC मोटर को खोलेंगे तो हमें उसके अंदर से क्या देखने को मिलेगा, फील्ड कॉइल को देखने को मिलेगा और परमानेंट मैग्नेट भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमें उसमें कोई भी ब्रश देखने को नहीं मिलेगा। अब जो BLDC मोटर होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है इनर रोटर डिज़ाइन, दूसरा होता है आउटर रोटर डिज़ाइन। इनर रोटर मतलब क्या है, मतलब जो बाहर होगा इसका फील्ड कॉइल एंड फील्ड कॉइल के अंदर होगा रोटर, मतलब रोटर बीच में रहकर घूमेगा, ठीक है। और जो आउटर रोटर है मतलब उसका मतलब क्या है, रोटर बाहर होगा एंड बीच में होगा फील्ड कॉइल। तो दोनों का ही वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा। अगर मैं आपको एक समझा दूंगा तो आप इजीली दूसरा समझ जाओगे। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आउटर जो रोटर होगा वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस BLDC मोटर का 3 टर्मिनल होता है, दूसरा जो मोटर है उस मोटर का 2 टर्मिनल होता है, लेकिन ये जो मोटर है इस मोटर का 3 टर्मिनल होता है। अब क्यों होता है आगे बताऊंगा, ठीक है, कैसे काम होगा सब कुछ आगे बताऊंगा। अगर हम इस मोटर को खोलेंगे तो हम इसमें से अंदर से क्या देखने को मिलता है, देखो ये जो फील्ड कॉइल की बात कर रहा हूँ ये मैं यहाँ पर, ये है वो फील्ड कॉइल, ठीक है। यहाँ पर 10 पोल होगा, ठीक है, यहाँ पर जो पोल क्रिएट होगा वो 10 पोल क्रिएट होगा, एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा। कैसे होगा मैं सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर जो रोटर होगा इसके रोटर के अंदर देखो परमानेंट मैग्नेट होगा, ठीक है। ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये बहुत पावरफुल होगा। इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इस मोटर को चलाने के लिए हमें एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करेगा, हम DC वोल्टेज सप्लाई देंगे, उस DC वोल्टेज को 3-phase AC में कन्वर्ट कर देंगे और हम इसे फ्रीक्वेंसी की हेल्प से कंट्रोल करेंगे। जैसे कि 3-phase इंडक्शन मोटर जैसे हम कंट्रोल करते हैं फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, वैसे ही इसमें भी हम DC वोल्टेज सप्लाई देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करेगा, उस DC को 3-phase AC में कन्वर्ट करके इस मोटर को चलाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इस कंट्रोलर की बात, अब एक काम कैसे करता है, अब इसका जो अंदर का जो फील्ड कॉइल है वो काम कैसे करता है, उसे समझने के लिए हर एक पोल को, ये पोल है, हर एक पोल को मैं इंडिविजुअली अलग अलग नाम दे रहा हूँ। इसे मैं A दे रहा हूँ, इसे मैं A', इसे मैं B दे रहा हूँ, इसे मैं B', इसे मैं C दे रहा हूँ, इसे मैं C', इसे मैं D दे रहा हूँ, इसे मैं D' एंड इसे मैं E दे रहा हूँ, इसे मैं E', ठीक है। आपको ABC समझाऊंगा, आप सब समझ जाओगे। इसका वाइंडिंग ऐसे ही किया गया है कि
अगर यहाँ पर जो पोल होगा, इस पोल को अगर मैं एनर्जाइज्ड करूँगा, ठीक है, यहाँ पर जो ए वाला जो साइड है इसे यहाँ पर अगर साउथ पोल क्रिएट होगा तो ए डैश में नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, ठीक है। अगर हम बी को एनर्जाइज्ड करूँगा तो बी में क्या होगा, बी में अगर साउथ पोल क्रिएट होगा तो बी डैश में नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। अब परमानेंट मैग्नेट को आपको पता है, परमानेंट मैग्नेट का एक परमानेंट पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। रोटर में परमानेंट मैग्नेट कनेक्ट है। अब रोटर में बहुत सारा परमानेंट मैग्नेट कनेक्ट होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सबको हटाकर मैं सिर्फ दो मैग्नेट ले रहा हूँ, जिसके कारण आपको मैं आसानी से समझा सकता हूँ। तो फिलहाल फील्ड कॉइल में दो परमानेंट मैग्नेट कनेक्ट किया गया है। एक परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल वाला जो साइड है, वो साइड जो फील्ड कॉइल है उस साइड में रखा गया है। दूसरा परमानेंट मैग्नेट का जो साउथ पोल है उस साइड को फील्ड कॉइल के पास रखा गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ए वाला जो कॉयल है उस कॉयल को मैं एनर्जाइज्ड करूँगा, ठीक है। अब ए पॉइंट का जो पोल होगा उस पोल पे साउथ पोल क्रिएट होगा, ठीक है, एंड ए डैश का जो पोल होगा उस पॉइंट पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो फील्ड कॉयल का जो नॉर्थ पोल है उससे साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एंड ए डैश में जो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा वो फील्ड कॉयल का साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, ये जो रोटर होगा ये घूम के ए एंड ए डैश के पास चला आएगा। उसी वक्त हम इस ए वाला जो कॉयल, इस कॉयल को बंद करके हम बी वाले कॉयल को एनर्जाइज्ड कर देंगे। जैसे ही हम बी वाले कॉयल को एनर्जाइज्ड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो बी पॉइंट है इस पॉइंट पे एक पोल क्रिएट होगा जो कि साउथ पोल है, एंड बी डैश में नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो क्या करेगा, ये फील्ड कॉइल का नॉर्थ पोल को ये बी वाला पॉइंट अट्रैक्ट करेगा, एंड जो बी डैश वाला पॉइंट है ये इस फील्ड कॉइल का साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, ये जो रोटर है ये घूम के बी वाले के पास चलाएगा। जैसे ही चलाएगा हम इस बी कॉइल को बंद कर देंगे एंड सी कॉइल को वैसे ही एनर्जाइज कर, जैसे ही बंद होगा उसी के साथ साथ हम सी वाले को एनर्जाइज करेंगे। तो क्या होगा, सी वाले का जो पॉइंट है उस पॉइंट पे एक साउथ पोल क्रिएट होगा जो कि फील्ड कॉइल का नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, एंड सी डैश में एक नॉर्थ पोल क्रिएट होगा जो कि फील्ड कॉइल का साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा ये जो रोटर है एक घूम के सी वाले के पास चला आएगा। यही प्रोसेस कंटिन्यू होता ही रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है इसी को ऐसे ही बनाया जाता है कि ये डिटेक्ट करता है कि कौन सा पोल किस समय कहाँ पर है। ये उसी को डिटेक्ट करके ही फील्ड को एनर्जाइज्ड करता है, मतलब इसको पता है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पता है कि कौन सा पोल को कब एनर्जाइज्ड करना है और किसको कब डी एनर्जाइज करना है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वो पता रहता है। इंडक्शन मोटर का फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके जैसे हम उसका स्पीड को कंट्रोल करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है इसके अंदर से भी डीसी को थ्री फेस में कन्वर्ट करा जाता है। तो हम इसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम इस BLDC मोटर का स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो ये मोटर ऐसे ही काम करता है, इसका एफिशिएंसी बहुत हाई होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ब्रश नहीं होता, इसके अंदर फ्रिक्शन बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर होता है, इसका एफिशिएंसी बहुत हाई होता है एंड हाई टॉर्क होता है, इसीलिए हम इस मोटर को ड्रोन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि ये बहुत कॉस्टली होता है दूसरा जो मोटर होता है उसके मुकाबले। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं जैसे ही ऐसा वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।